जो लोग एस की नोवेल के पार्ट 3 का वेट कर रहे थे Hello there. उनका इंतजार अब खत्म हुआ। क्या मतलब कोई भी नहीं कर रहा था। खैर जैसा कि हमने पार्ट 2 के एंड में देखा कि किस तरह से स्पेड पायरेट्स व्हाइट बेड क्रू के साथ फाइट करने का ट्राई करते हैं और एस अकेले ही व्हाइट बेड से गुथ जाता है और ड्यूज उसकी मदद करने के लिए एक प्लान बनाता है व्हाइट बेड की शिप को सिंक करने का क्योंकि उसके अंदर काफी सारे डेल्फ्रूट यूजर्स हैं। बट ड्यूजर उसके क्रू को टीच पकड़ लेता है और एस को व्हाइट बेड हरा देता है। फाइट में एस बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो व्हाइट बेड की शिप में होता है। स्टोरी को पूरा जानने के लिए हमारी एस नोवेल की पार्ट 1 और 2 की वीडियो को जरूर देखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको एस की सेपरेट नोवेल के बारे में नहीं पता है। हम आगे भी ऐसी नोवेल्स लाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं वीडियो में आगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एस के पास्ट को देखते हैं जहां पर एस के सामने कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर रॉजर का बेटा होता तो पक्का एक डीमन होता और ये सब बातें सुनकर एस को गुस्सा आ जाता है और वो एस से कहते हैं तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम कौन हो। इसके बाद एस खुद से कहता है अगर लोग मेरी एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे इस दुनिया में तो मैं बनूंगा द ग्रेट पायरेट और सभी को दिखा दूंगा और दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सब मुझे विलन माने, कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल हो ये मैं होने नहीं दूंगा। बैक टू द प्रेजेंट, एस अपनी आंखें खोलता है और वो आसपास को देखता है और सोचता है फाइट के बारे में और बोलता है ओ मैं हार गया और वो अपनी सारी बातें याद करता है जहां वो अपने क्रू से कह रहा होता है आई विल सरपास द पायरेट किंग और हमारा टारगेट है एडवर्ड न्यूगेट, मैं इस ओशन में आगे बढ़ता जाऊंगा जब तक कि मैं टॉप पे ना पहुंच जाऊं। यहां पर फिर एस अपना सर पकड़ के बहुत ही गुस्से में बैठा होता है तभी एक आवाज आती है तो तुम उठ गए। फिर यहाँ पर हम व्हाइट बेड की शिप को देखते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एस के साथ कोई बैठा हुआ है और एस कहता है ओ मुझे बंदी बना रखा है और ये बंदा होता है थैच जो एस से कहता है हमारी शिप द मोबी डिक में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा गुरु तुम्हें लेने आया था सो हमने उन्हें भी पील दिया। और इस बात को सुनकर एस चिल्लाते हुए कहता है कि क्या किया तुमने उनके साथ। थैच बोलता है काम डाउन, वो जिंदा है और इस शिप पे ही है और तुमसे तो कम इंजर्ड है और वो कोई गैस तो है नहीं तो हमने उन्हें काम पे लगा दिया जिन काम में वो अच्छे हैं। थैच पूछता है मिलना चाहते हो उनसे, आफ्टर ऑल मैं इंचार्ज तुम्हारी कस्टडी का। एस बोलता है जो कुछ हुआ उसके बाद मैं उन्हें कैसे फेस कर सकता हूँ। थैच हंसते हुए कहता है कि उनको एक अच्छा कैप्टन मिला है सो तुम कब मिलना चाहोगे उनसे। एस कहता है मे बी आज जब मैं वो कर दूंगा। एस थैच से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये ठीक है कि मुझे ऐसे शिप में रखना और वो भी बिना चेंज के। यहाँ पर थैच उसे घूरते हुए एक स्माइल देता है। इसके बाद इस अपने क्रू को दूर से देखता है कि वो सब शिप पे ही हैं और काम कर रहे हैं और अपने आप से ही कहता है कि थैच सच बोल रहा था। आगे वो बोलता है जस्ट वेट गाइस, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा जब मैं व्हाइट बियर्ड का सर कुचल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड सो रहा है और तभी वहां पर एस आता है एक नाइफ के साथ व्हाइट बियर्ड को मारने के इरादे से। बट व्हाइट बियर्ड नींद में ही एस को मारकर बाहर फेंक देता है और बाकी क्रूमेट एस को देखकर कहते हैं कि पॉप्स ने नींद में इसको बाहर फेंक दिया। एस बोलता है कि अभी भी ये बास्टर्ड सो ही रहा है और इसका क्रू मुझे देखने के बाद भी दारू पी रहा है और आपस में बातें कर रहे हैं सारे लोग, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पर उस अटैक से एस के फेस पे खून आ जाता है बहुत सारा और एस बोलता है पॉप्स ये कैसा नाम हुआ, ये काफी वियर्ड क्रू है। थैच उससे बोलता है कि तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलूं। एस कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने एनिमी से कोई भी दया नहीं चाहता हूँ। थैच कहता है रियली तो तुम क्या करोगे उस खाने के साथ जो हमने तुम्हें लेने दिया है। और इसके बाद थैच एस को मेडिकल रूम में ले जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ अच्छे नज़ारे और वहाँ पर एस को ड्यूस भी मिलता है जो वहाँ पर बैठ के एनाटॉमी की बुक को पढ़ रहा है। एस ड्यूस से बोलता है ओ हाँ तुम हमेशा से मेडिकल की बुक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हो तो तुम इसीलिए इस रूम में बैठे हुए हो। ड्यूस कहता है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ पागल, अगर कोई तुम्हें खाना दे रहा है और तुम्हें रहने की जगह दे रहा है तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसका एहसान चुकाओ और यही पायरेट ऑनर है। एस कहता है कि मुझे बुरा फील हो रहा है तुम सभी की ऐसी हालत देखकर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ड्यूस कहता है ओए हम थे वो जो हारे, तुमने तुम्हें भागने का रास्ता दिया था। एस चिल्लाते हुए कहता है कि मैं था वो जो हारा, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ इसलिए मुझे व्हाइट बेड को हराना ही होगा। ड्यूस एस को यहाँ पर देखता है। थैच कहता है एस खुद पे इतना बर्डन ना डालो। ड्यूस एस से कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन एस तभी कहता है कि अगर वो मुझे शिप पे रखेगा तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। और वो व्हाइट बेड के पास जाता है जहां वो एस से कहता है आओ अपना समय बर्बाद कर लो। एस कहता है मुझे शिप पे रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती करी है और तुम्हें रिग्रेट होगा इस बात का। यहाँ पर एस अपने फायर फिस्ट से अटैक करता है
जिसको व्हाइट बेड अपने बेयर हैंड से रोक लेता है और कहता है कि इस तरह की फ्लेम्स मेरे हाथों को जला नहीं सकती हैं। एज सोचता है कि मेरी फ्लेम्स एक वॉरलॉर्ड तक के लिए काफी थी और इसने मेरी फ्लेम्स को अपने बेयर हैंड से रोक दिया। व्हाइट बेड एज से कहता है कि मैंने तुम्हें जीने का एक मौका दिया है तो उसका अच्छे से यूज करो और जैसा तुम चाहते हो वैसे जियो। एज यहाँ पर गुस्से में व्हाइट बेड से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा और मैं तुम्हें हराऊंगा और सरपास करूंगा और उसके बाद ही मैं फिर से ओशन में सेल करूंगा, बस इंतजार करो व्हाइट बियर्ड। यहाँ पर थैच एज से कहता है कि तुमने काफी अच्छी स्पीच दी और शायद बाकी क्रू जिस तरह तुम्हें देख रहा था वो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। एज कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मैं एक अच्छी नींद लूंगा और बहुत सारा खाना खाऊंगा और अपनी इंजरीज को हील होने दूंगा, उसके बाद मैं व्हाइट बियर्ड को हरा दूंगा। थैच कहता है मैं हूँ वो जो उस खाने को बनाता है, वैसे तुम खाने की वजह से वीक नहीं हो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो लैग कर रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मेरे अंडर ट्रेन करो और शायद तुम पॉप्स को एक फन फाइट दे सको। एस कहता है कि कब तक तुम मुझे ऐसे देखोगे। थैच कहता है इससे उल्टा है सब, अगर तुम इतने जिद्दी ना होते तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। एस चिढ़ते हुए कहता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा वियर्ड हो और ये सब बहुत हो चुका तुम्हारा। यहाँ पर थैच कहता है ऐसा है दैट्स सीम। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर मार्को और एस को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मार्को उसे कहता है ओ तुम जिंदा हो। एस उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि शट अप, किसी ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया है, मैं सो रहा था अच्छा खासा और हम हैं कहाँ पर। मार्को बताता है एनिमी शिप पे, ये लोग हमारे एक आइलैंड को बर्बाद कर रहे थे। फिर हम एनिमी साइड को देखते हैं जहाँ पर वो मार्को को उसकी ब्लू फ्लेम से पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मार्को के बगल में रेड फ्लेम्स वाला कौन है, एक न्यू क्रूमेट। एस मार्को से कहता है चलो फिर इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं और अपनी शिप पे चलते हैं। मार्को उस पे टॉन्ट मारते हुए कहता है ओ हाउ डिपेंडेबल। इस शिप का एक बंदा आता है एस के सामने तलवार को घुमाते हुए। एस कहता है ये काफी तेज है और ये सभी लोग हाकी भी यूज कर सकते हैं, ये लोग उस लेवल के हैं कि व्हाइट बियर्ड से भी लड़ पाए। तभी मार्को कहता है कि अगर ये लेवल तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो पॉप्स को मारने का सपना तो भूल ही जाओ। मार्को कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम बड़े नहीं होगे अगर तुम एक पिल्ले से ज्यादा बाइट नहीं कर पाओगे। और एस ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि थैच जो बोलता है वही करने का सोचना भी मुझे गुस्सा दिला देता है, बट एक बैटल फील्ड से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती है मेरे स्किल्स को शार्प करने के लिए। फिर हम यहाँ पर व्हाइट बियर्ड की शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी क्रूमेट आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने उस रूकी को देखा, उसने आज फिर से पॉप्स को चैलेंज किया, ये कितने टाइम तक ट्राई करेगा। दूसरा बोलता है जल्दी शांत होकर बैठ जाएगा, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा इसका ये। तभी थैच कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तभी वो सभी लोग कहते हैं कि पॉप्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी एक नॉर्मल ही तो है हमारी तरह, वो कोई खास तो है नहीं। आगे फिर हम एक फाइट देखते हैं जहाँ पर एस एक बंदे से फाइट कर रहा होता है एक अजीब से फ्रूट यूजर के साथ, जहाँ वो एक मूव यूज करता है स्वीट सेज किक और वो ये बोलकर अपने हेड से अटैक करता है, जिसको देखकर एस कहता है ये कैसी किक हुई। इस पे वो कहता है कि मेरे अटैक के नाम पर कंप्लेन करने का तुम्हें कोई परमिशन नहीं है। एस यहाँ पर थैच की बात को याद करता है जहाँ वो एस से कहता है कि तुम अपनी हाकी को अच्छे से यूज कर पाते हो, थोड़ी सेल्फ स्टडी करो और अपने अटैक्स की रेंज बढ़ाओ। काफी फनी है कि तुम लोग या यूजर्स कितने केयरलेस होते हो। तभी एस का करंट ओपोनेंट उस पर अटैक करता है। एस यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और अपनी पावर की रेंज बढ़ाकर उस पर अटैक करता है और उसे हरा देता है। इस अटैक को देखकर थैच भी चौंक जाता है और एस से कहता है ग्रेट ऑब्जर्वेशन हाकी, ये सारा मेरे जीनियस एडवाइस की वजह से है, कोई नहीं मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और एस सुनकर चिढ़ जाता है। तभी हम टीच को देखते हैं जिसके शोल्डर पे एक तलवार गड़ी हुई है और वो चिल्ला रहा है, जिसको देखकर थैच कहता है टीच फिर से केयरलेस हो गए तुम। फिर हम यहाँ पर व्हाइट बियर्ड का फुट वॉल्टर आइलैंड देखते हैं। यहाँ पर थैच और टीच बैठकर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर थैच टीच से कहता है कि तुमने एक बस एक तलवार खाकर उसका बखेड़ा बना दिया। टीच कहता है कि हाँ बस इससे ये थोड़ी बदलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन था फाइट में, तुमने देखा कि किस तरह से मैंने उस जोन टाइप कैप्टन को पेल दिया। थैच कहता है कि वो तुम नहीं थे, तुमने बस उसे फाइनल में फिनिश किया, वो एस था जिसने उसे हराया। टीच एस से कहता है ओ हाँ वो तुम थे फ्लेम रूकी, और मैंने ये सुना है कि तुम जल्दी हमारे क्रू को ज्वाइन करने वाले हो जब तुम अपना 100 ट्राई कर लोगे पॉप्स को मारने का। एस बोलता है कि मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। थैच इस पे कहता है कि जिंदगी भर ऐसा ट्राई करता रहेगा, वैसे ये र्यूमर मैंने ही फैलाया था। और वो कहता है कि एक अंदर की बात बताऊं तो एस 46 बार हार चुका है पॉप से। और ये सुनकर टीच बहुत हंसता है और हंसते हुए कहता है कि इतना ट्राई और अब तक इसने पॉप्स को अपनी पावर यूज करने पे मजबूर भी नहीं कर पाया। एस यहाँ पर गुस्से में टीच की गुद्दी पकड़ लेता है और कहता है कैसा रहेगा अगर मैं
तुम्हारे ऊपर अपने डेवल फ्रूट की पावर यूज करूं। थैस कहता है, डोंट फाइट, खाना खत्म करो, इसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे। और वो साके के बैरल को उठा के चल देते हैं। फिर हम देखते हैं एस, थैस और टीच बैठे हुए हैं, और टीच उसके क्रूमेट्स के डेवल फ्रूट के बारे में बता रहा है कि पॉप्स के पास क्वैक क्वैक फ्रूट है, कमांडर मार्को के पास बर्ड बर्ड फ्रूट, और कमांडर जूजो के पास डायमंड डायमंड फ्रूट। एस कहता है, ये तो काफी पावरफुल एबिलिटीज हैं। थैस कहता है कि तुम्हारे पास फ्लेम फ्लेम फ्रूट है, और एक कुक होने की वजह से मुझे बहुत जलन होती है तुमसे। तभी टीच थैस से कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो इसे मार दो। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक डेवल फ्रूट यूजर मरता है तो उसका फ्रूट फिर से कहीं दूसरी जगह पर रीअपियर हो जाता है। तभी थैस कहता है कि ऐसी डिस्टर्बिंग बातें मत करो मेरे सामने, ऐसा कोई फ्रूट नहीं हो सकता जिसके लिए कोई अपने क्रूमेट को ही मार दे। ये बात पढ़कर बहुत ही ज्यादा हिट होती है, होते हैं ऐसे लोग जो अपने क्रूमेट को मार देते हैं। बैक टू द स्टोरी, ये सुनकर एस चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्रूमेट किसको बोला। थैस कहता है, सॉरी बट ये कुछ टाइम में होने ही वाला है। और वो इसको बताता है कि इस चिप में एक रूल है, जिसको जो डेवल फ्रूट मिलेगा वही उसे खाएगा। एस पूछता है, तुम्हारे नजर में कोई ऐसा फ्रूट है जो तुम खाना चाहते हो। टीच कहता है, हाँ, सुनना चाहोगे, और ये कहकर वो हंसने लगता है। तभी थैस उसकी साइड देखकर कहता है, वही फ्रूट। टीच कहता है, बिल्कुल, चाहे मुझे पूरी उम्र उसका वेट करना पड़े मैं करूंगा। और यहाँ पर टीच और थैस हंसते हुए कहते हैं, क्लियर क्लियर फ्रूट, जो हर आदमी का सपना होता है। तभी एस कहता है, दारू खत्म हो चुकी है, क्यों ना मैं इस बैरल को ओपन करूं। थैस चिल्लाते हुए कहता है, वेट वेट, तुम इसे ओपन नहीं कर सकते हो, ये पॉप्स की है। एस कहता है, ये तो सस्ती दारू है। टीच कहता है, ये पॉप्स की फेवरेट है। एस कहता है, रियली, एक एम्परर इसे पसंद कर सकता है। थैस उसे बताता है कि पॉप्स उनके हिस्से का ट्रेजर अपने होम टाउन भेज देते हैं, इसलिए वो सस्ती दारू पीते हैं। टीच बोलता है कि मैंने सुना है वो विलेज काफी ज्यादा गरीब है, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन को उनका हैवी ट्रिब्यूट पे नहीं कर सकते हैं, और वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती इसलिए। और ऐसा ही सेम उस आइलैंड के साथ था जिसे हमने रिसेंटली बचाया था। तो पॉप्स उन्हें अपना फ्लैग देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। हमारे पॉप्स इस तरह के पायरेट हैं। यहाँ पर इस अपने बचपन की सोचता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं पूरी दुनिया में अपना नाम पहुँचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए विलन क्यों ना बनना पड़े। थैस कहता है, ही इज अ ग्रेट मैन, है ना इस। तभी टीच बोलता है कि तुम्हारे और पॉप्स के बीच में वो डिफरेंस है लाइक सन और फायरफ्लाई। थैस टीच को ऐसा बोलने से रोकता है। एस इसके बाद बैठ के सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में व्हाइट बेड से फाइट करता है। व्हाइट बेड उससे कहता है, इस बार कोई सरप्राइज अटैक नहीं, ओनली फोर्स। एस चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब वो सब कहते हो जो तुम्हें पता भी नहीं है, मैं तुम्हें हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर व्हाइट बियर्ड उसे फिर से हरा देता है, और एस से कहता है, थैंक्स फॉर लेकर। इसके बाद व्हाइट बियर्ड एस से कहता है कि ये फाइट थोड़ी बेटर थी, आ जाना जब भी तुम्हें फाइट करने का मन हो। एस रात भर बैठ कर सोचता है। नेक्स्ट डे हम क्रूमेट की बातें सुनते हैं, जहाँ पर एक कहता है कि क्या तुमने देखा कि फायर फिस्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, अब उसकी बैटल पहले ज्यादा इंटेंस होती है। यहाँ पर दो टीमें बन जाती हैं, एक जो एस से कहती है और स्ट्रांग अटैक करो, और दूसरी पॉप से कहती है कि फिर से रूकी को हरा दो। यहाँ फिर से व्हाइट बियर्ड और एस एक दूसरे के सामने होते हैं। एस उस पे अटैक करता है फ्रंट से, इसको वो डॉच करता है, और एस से कहता है कि तुम मेरे गट्स को टेस्ट कर रहे हो। तभी सब देखते हैं कि एस ने डिलेड फायर अटैक किया था। तभी व्हाइट बियर्ड कहता है कि एस अपनी ऑब्जर्वेशन हॉकी का यूज कर रहा है उसके नेक्स्ट मूवमेंट को देखने के लिए, और वहीं पर वो अटैक कर दे रहा है। काफी अच्छी टेक्निक है स्नॉट नोज। यहाँ पर एस ड्यूज और थैच की बातों को याद करता है, जहाँ वो एस को उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पर फिर एस सामने से अटैक करता है, और अपने अटैक की पावर बढ़ाने के लिए अपने पैरों में से एक फायर पुश लेता है, और पुश लेके व्हाइट बेड के पीछे चला जाता है। और तभी टीच की उस रात वाली बात को याद करता है कि कैसे वो हंस रहा था उसके ऊपर, और वहां से फुल फोर्स से अटैक करता है। ये फ्लेम साइज और पावर बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इसे रोकने के लिए व्हाइट बियर्ड अपने फ्रूट के एबिलिटी का यूज करता है, और सभी चौंक जाते हैं कि व्हाइट बियर्ड ने अपने फ्रूट के एबिलिटी को यूज करा। और एस कहता है कि कैसा लगा ये। यहाँ पर एस के खून निकल रहा होता है, फिर भी वो खड़े होकर कहता है कि तुमने यूज करी फाइनली अपने फ्रूट की एबिलिटी। और वो उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे इस फ्रूट की एबिलिटी को भी ओवर पावर कर दूंगा। और ये कहकर वो नीचे पानी में गिर जाता है, और लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है, और ये था एस का 100th लॉस, बट व्हाइट बियर्ड कहता है 100th नहीं, 99th ओनली। फिर हम एस को मेडिकल रूम में देखते हैं, जहाँ पर नर्स उसको देख रही होती है, और ड्यूज भी वहाँ बैठा होता है। एस पूछता है, तुमने मुझे बाहर निकाला। ड्यूज कहता है, हाँ। ड्यूज यहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग को याद करता है, जहाँ पर एस कहता है कि अगर मैं पानी में गिरा तो तुम होना मुझे बचाने के लिए। एस कहता है कि मैं फिर से हार गया। ड्यूज कहता है, अब तक का ये तुम्हारा सबसे बेस्ट था, तुमने व्हाइट बियर्ड को उसकी एबिलिटी को यूज करने पे मजबूर कर दिया। यहाँ पर ड्यूज एस को देखे जा रहा था। तभी एस उससे पूछता है, क्या हुआ,
ड्यूस कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस चीज को एंजॉय कर रहे हो, अपने बार बार हारने को। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, बट पर जैसे तुम अभी हो ये तुम्हें फायर्ड अप रखता है। ऐसे आदमी को चैलेंज करना जिसे तुम सबसे ज्यादा एक्नॉलेज करते हो। एस कहता है, वो मेरा एनिमी है तो ये बकवास बातें बंद करो। तभी उसके पेट से आवाज आती है और एस वहां से उठकर चल देता है। एस वहां से जाने लगता है और तभी वो व्हाइट बेड के रूम से आती हुई आवाज को सुनता है, जहाँ थैच उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं हूँ जिसने एस को ट्रेन करा, बट उससे फाइट करना डेली डे बाय डे ये आपके लिए ठीक नहीं है। व्हाइट बेड कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं उससे फाइट ना करूं? बकवास मत करो, ये कोई फाइट है ही नहीं जिससे मैं रोक दूं। थैच काफी निराश होकर कहता है, बट भले ही आपकी मेडिसिन आपको थोड़ा आराम देती है, पर आपकी कंडीशन बेकार से बेकार होती जा रही है। लोगों के गोल्डन डेज हमेशा नहीं रहते हैं। व्हाइट बेड कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पॉप्स बुला पाओगे अगर मैं एक ब्रिलियंट यंगस्टर से पीछे हट जाऊं और उसे स्ट्रॉन्ग ना बनने दूं? चाहे वो 100 टाइम हो या 1000 टाइम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वो रैकलेस लड़का कहीं और जाके मर जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और ये सब सुनकर एस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। यहाँ फिर थैच मार्को से कहता है कि तुम्हें उसे रोकना होगा। मार्को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उनके 100 ड्यूअल का टाइम और जगह डिसाइड हो चुकी है। फिर हम यहाँ पर ड्यूस को देखते हैं जो लिख रहा होता है अपनी डायरी में कि पिछले 3 महीने में एस धीरे धीरे चेंज होता आया है। यहाँ पर फिर हम एस और व्हाइट बेड की सॉवी फाइट देखते हैं जिसमें वो आमने सामने खड़े हैं ड्यूअल के लिए, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर भी लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।